हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल फार्मेसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट के ऑक्सीटॉक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ऑक्सीटॉक्सिस क्या होता है और इसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑक्सीटॉक्सिस, दीज आर द ड्रग्स विच हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट्स ऑन द मोटिलिटी ऑफ यूटेरस, मतलब गर्भाशय की गतिशीलता को वो स्टिमुलेंट करता है ऑक्सीटॉक्सिस। दूसरा पॉइंट है इट शोज स्पॉन्टेनियस एंड रिथमिक कंट्रैक्शन इवन इन द प्री पुबर्टी एज। तीसरा पॉइंट है द कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस हैव द मोस्ट वाइटल रोल टू प्ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अल्टीमेट एक्सपल्सन ऑफ फीटस ड्यूरिंग पार्टुरेशन, मतलब ये प्रेगनेंसी के समय वाइटल रोल अदा करता है और फीटस को एक्सपल्सन होने में ये मदद करता है। आगे देखते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिस हैव ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द मोटिलिटी ऑफ यूटेरस। द मोस्ट टिपिकल एमोंग देम आर द इर्गोमेट्राइन फ्रॉम इर्गोटेन ऑक्सीटॉक्सिन। अदर प्लांट ड्रग्स विद ऑक्सीटॉक्सिस इफेक्ट आर वसाका, जिंकोना। इसके ग्रुप ड्रग इर्गोट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेनोनेम, बायोलॉजिकल सोर्स, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ज्योग्राफिकल अकरेंस, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है सेनोनेम, इसको इर्गोटो रेग भी कहता है और इर्गोटा भी कहते हैं। ये आपको रे का फिगर दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, मतलब ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। इर्गोट इज द ड्राइड स्क्लेटियम ऑफ ए फंगस क्लेविसेप्स परपोरिया टुलासेन डेवलप्ड ऑन द ओवेरी ऑफ रे प्लांट सेकाले सेराल्स। यह है रे प्लांट। बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, क्लेविसेप्स परपोरिया टुलासेन और सेकाले सेराले। इसका फैमिली है ग्रामिनी और क्लेविसिपिटासी। ज्योग्राफिकल अकरेंस, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये इर्गोट इज कल्टिवेटेड इन जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इंडिया में पाए जाते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रजेंट रहते हैं इसलिए देखते हैं। पहला है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इर्गोट्स आर अल्कालॉइड, इसमें पहला अल्कालॉइड प्रजेंट रहते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन कौन है, एक वाटर सोल्यूबल अल्कालॉइड जिसमें इर्गोमेट्राइन ग्रुप के इर्गोमेट्राइन और इर्गोमेट्रिनिन पाए जाते हैं। दूसरा है वाटर इंसोल्यूबल अल्कोइड, जो वाटर के साथ इंसोल्यूबल रहते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं। ये इर्गोटामाइन ग्रुप के हैं, इर्गोटामाइन प्रजेंट हैं, इर्गोटामाइनिन, इर्गोटासाइन और इर्गोटासाइमिन। दूसरा है इर्गोटोसाइन ग्रुप, इसमें है इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिस्टिनाइन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोक्रिप्टिनाइन, इर्गोकोमाइन, इर्गोकोमाइनिन। अदर्स में इसमें हिस्टामिन और टायरामिन एंड एमिनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। इसके यूजेस के बारे में डिस्कस देखते हैं कि इसमें इसका यूजेस क्या है। पहला है ये माइग्रेन में इसका यूज होता है। दूसरा यूज है यूज्ड इन लेबर टू असिस्ट डिलीवरी एंड टू रिड्यूस पोस्ट पार्टम हेमोराइज, मतलब ब्लीडिंग को वो कंट्रोल करता है, कम करता है। तो आई होप आपको ऑक्सीटॉक्सिस के बारे में अंडरस्टूड हो गए होंगे। थैंक यू।